नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, परस्पर अपवर्ती घटनाएं तथा निःशेष घटनाएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने घटनाओं के प्रकार तथा काफी सारी घटनाएं पढ़ी थी। चलिए अब उन पर कुछ उदाहरण देखें। तो उदाहरण एक है, एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना को A से और घटना एक विषम संख्या प्राप्त होना को B से निरूपित किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं A या B, दूसरा A और B, तीसरा A किंतु B नहीं और चौथा A नहीं को निरूपित करने वाले समुच्चय लिखिए। अब हल देख लें। यहाँ S यानी प्रतिदर्श समष्टि होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि हमने एक पासा फेंका है और उसके 6 ही आउटकम्स आते हैं। चलिए अब A देख लें। A बराबर होगा 2, 3 और 5 जो कि अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स हैं, और B बराबर होगा 1, 3 और 5 के। 1, 3, 5 विषम संख्याएं हैं यानी ऑड नंबर्स हैं। तो अब पहला पार्ट है A या B, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, A या B होता है A यूनियन B यानी दोनों के समुच्चयों को ऐड कर देंगे यानी सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देंगे। अर्थात यह बना 1, 2, 3 और 5। तो A यूनियन B हमने निकाल लिया। अब दूसरा है A और B, और यह भी हमने पढ़ा था, यह होता है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि A और B के केवल कॉमन एलिमेंट्स ही लिखेंगे यानी जो दोनों में है, अर्थात 3 और 5। अब तीसरा देख लें, A किंतु B नहीं, जो कि A माइनस B होगा यानी ऐसे एलिमेंट्स जो केवल A में है और B में नहीं, तो वो होगा 2, क्योंकि B में 3 और 5 है और A में भी 3 और 5 है, इसीलिए हम 3 और 5 को नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हमने A माइनस B निकाल लिया। और आखिरी A नहीं यानी A का कॉम्प्लीमेंट, जिसका अर्थ होता है कि A के अलावा सैंपल स्पेस के सारे अदर एलिमेंट्स, तो वे होंगे 1, 4 और 6। अब आइए पढ़ें परस्पर अपवर्जी घटनाएं, जिसे हम अंग्रेजी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, एक पासा फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। दोस्तों, मान लीजिए घटना A एक विषम संख्या का प्रकट होना और घटना B एक सम संख्या का प्रकट होना को व्यक्त करते हैं। स्पष्टतया घटना A घटना B को अपरिवर्तित कर रही है तथा इसका विलोम भी सत्य है। मतलब आप ध्यान दीजिए कि घटना A और घटना B दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी घटना A में एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है और घटना B में एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरे शब्दों में ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो घटना A और घटना B के एक साथ घटित होने को निश्चित करता है, यानी कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होगा जहां विषम संख्या के साथ सम संख्या भी आ जाए। अगर हमने सम संख्या ली है तो उसमें 2, 4 और 6 ही आएंगे और विषम संख्या में 1, 3 और 5 ही आएंगे। दोस्तों, A होगा 1, 3 और 5 और B होगा 2, 4 और 6। इसका तात्पर्य देखिए कि A इंटरसेक्शन B हमेशा नल सेट यानी फाई होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है।
यानी ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। दो घटनाओं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कही जाती है। यदि इनमें से किसी एक का घटित होना दूसरे के घटित होने को अपवर्जित करता है, यानी वे एक साथ घटित नहीं हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, इस दशा में समुच्चय ए और बी असंयुक्त होते हैं, यानी डिसजॉइंट्स होते हैं। मतलब वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब एक का घटित होना दूसरे के घटित होने को अपवर्जित करता है, यानी वे दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती। और उस केस में उन दोनों ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट्स यानी असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। पुनः एक पासे को फेंकने के परीक्षण में घटना ए एक विषम संख्या प्रकट होना और घटना बी चार से छोटी संख्या प्रकट होना पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ ए होगा 1, 3 और 5, क्योंकि 1, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं। बी होगा 1, 2 और 3, क्योंकि 4 से छोटी संख्या 1, 2 और 3 ही है। अब यहां पे दोस्तों 3 जो है वो ए को भी बिलोंग करता है और 3 बी को भी, यानी ए इंटरसेक्शन बी 3 होगा, जो कि फाई यानी नल सेट नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए और बी असंयुक्त यानी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं आता। अतः ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, यदि ए और बी असंयुक्त नहीं होंगे तो वे अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। तो याद रखिए, एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जी होती हैं, यानी किसी भी सैंपल स्पेस के सिंपल इवेंट्स यानी एलिमेंट्री इवेंट्स जहां केवल एक ही एलिमेंट है वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। आइए दोस्तों अब निशेष घटनाओं के बारे में पढ़ें। निशेष घटनाएं होती हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलिए एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। हम पाते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। आइए निम्नलिखित घटनाओं को परिभाषित करें। तो सबसे पहले A, 4 से छोटी संख्या प्रकट होना, यानी 4 से छोटा कोई भी अंक आएगा तो वह A इवेंट में होगा। बी 2 से बड़ी किंतु 5 से छोटी संख्या प्रकट होना, 2 से बड़ी होंगी और 5 से छोटी होंगी। तथा सी 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। आइए अब ए देखें, वो होगा 1, 2 और 3, बी होगा 3 और 4, सी होगा 5 और 6। दोस्तों ए यूनियन बी यूनियन सी यानी इन सभी का यूनियन निकालेंगे तो वह 1, 2, 3 यूनियन 3, 4 यूनियन 5, 6। तो यूनियन में हम सभी के एलिमेंट्स ऐड करते हैं और सैंपल स्पेस के बराबर वह हो जाता है। ऐसी घटनाओं को ए बी सी को निशेष घटनाएं कहते हैं, यानी जिनके यूनियन से पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। व्यापक रूप से यदि E1, E2 up to EN किसी प्रतिदर्श समष्टि की N घटनाएं हैं और यदि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 up to यूनियन EN बराबर I 1 से लेकर N तक यूनियन EI सैंपल स्पेस के बराबर है, तब E1, E2, up to EN को निशेष घटनाएं कहते हैं, यानी ऐसी घटनाएं जिन सभी का यूनियन पूरे सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, उन सभी घटनाओं को निशेष घटनाएं कहेंगे।
दूसरे शब्दों में घटनाएं E1, E2, up to EN निशेष घटनाएं कहलाती हैं यदि परीक्षण के करने पर इनमें से कम एक घटना अवश्य घटित हो। इसके अतिरिक्त यदि सभी I not equal to J के लिए E1 intersection EJ बराबर phi है, अग्रतः the EI intersection EJ बराबर phi, I not equal to J यानी EI और EJ परस्पर अपवर्जी हैं और I एक से लेकर EI union बराबर S है, तो घटनाएं E1, E2 up to EN परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं कहलाती हैं। आइए अब इस पर कुछ उदाहरण करते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ए घटना है प्राप्त योग सम संख्या है। बी घटना है प्राप्त योग 3 का गुणज है। सी है प्राप्त योग 4 से कम है। डी प्राप्त योग 11 से अधिक है। इन घटनाओं में कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? आइए हल देख लें। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर x, y, जहां x, y होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसमें पूरे 36 अवयव हैं, क्योंकि हमने पासे दो बार उछाले तो उस केस में प्रतिदर्श समष्टि 36 के बराबर होती है। तो A है 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 6, 2, 6, 4 और 6, 6। उसी प्रकार B है 1, 2, 1, 1, 5, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4 और 6, 6, और C आ गया 1, 1, 2, 1 और 1, 2, और D है 6, 6। अब आइए A इंटरसेक्शन B निकालें, तो A इंटरसेक्शन B होगा 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 और 6, 6, जो कि phi यानी null set के बराबर नहीं आता। इसीलिए A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन null set नहीं है। इसी प्रकार A इंटरसेक्शन C null set नहीं है, आप खुद स्वयं सॉल्व करके देखिए। A इंटरसेक्शन D null set नहीं है और B इंटरसेक्शन C null set नहीं है और B इंटरसेक्शन D भी phi के बराबर नहीं है। इस प्रकार युग्म AC, AD, BC, BD परस्पर अपवर्जी नहीं है। साथ ही C इंटरसेक्शन D phi के बराबर नहीं है, इसीलिए C और D परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, निशेष घटनाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। धन्यवाद दोस्तों।